आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स। इस तरह का कार्यक्रम करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज, हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। हिंदू सभ्य समाज के सौजन्य से ये 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, इसमें क्या क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखा है? सर्वप्रथम आपके सभी जानते हैं इस तमाम प्रोग्राम के बारे में, तो स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हम सभी जानते हैं 550 वर्ष के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख का होना है, यह सर्वविधि पूरे विश्व हमारे भारतवर्ष के अयोध्या नगरी में नजरें जमा के डटे हुए और देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। इसी से जुड़ा हुआ आइए हमारे बीच हिंदू सभ्य समाज के पदाधिकारीगण, उनके द्वारा हम जानते हैं कि इस बार जो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे वो क्या विशेष तैयारी किए हैं और आगे आगामी क्या कार्यक्रम उनके माध्यम से होना है। तमाम सवालों के साथ में हम उनसे रूबरू होते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो आप सबका दिन शुभ हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय संकट मोचन वीर हनुमान जी। प्रभु राम जी और संकट मोचन वीर हनुमान जी तमाम दर्शकों को और भक्तों को और श्रद्धालुओं को अपने प्यार और आशीर्वाद से गदगद करें और दिन दुगुना रात चौगुना हमारे भारत वर्ष को आगे बढ़ाते रहे। तो जुड़े रहे ते अपडेट्स के साथ, हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। तो आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि हिंदू सभ्य समाज के सौजन्य से ये 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसमें क्या क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखा है? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को हिंदू सभ्य समाज की तरफ से प्यार भरा जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, सर्वप्रथम मैं आदित्य प्रसाद सोनी, चेयरमैन हिंदू सभ्य समाज, समस्त विश्व के सनातन प्रेमियों से कहना चाहूंगा कि बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, बलिदानी के बाद, आज यह दिन, जो दिन का इंतजार कई दशकों से, कई सदियों से लोग करते आ रहे थे, आज वो दिन 22 जनवरी 2024 यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आप लोग देखने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी, धर्म जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। पूरे विश्व भर में 22 जनवरी को लेकर के काफी उत्साह है, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हिंदू सभ्य समाज भी 22 जनवरी को एक भव्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रही है, जिसका की जानकारी आप आगे आप सभी को मिलेगी। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोगों ने, समस्त सनातन प्रेमियों ने यह नारा लगाया था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए। आज मंदिर वहीं बन रहा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बीच हिंदू सभ्य समाज के दूसरे पदाधिकारी मनोज जी, आइए हम उनके द्वारा भी जानते हैं इस तमाम प्रोग्राम के बारे में। तो स्वागत है आपका। तमाम दर्शकों को यह बताइए कि आप लोगों का इस बार का क्या रूपरेखा रहने वाला है। प्रथम तो ग्लोबली न्यूज एवं पंकज जी आपको एवं समस्त विश्व के नातनी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज 550 वर्ष के तपस्या के बाद हमारा प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में पूर्ण निर्माण होने जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं आपने पूछा कि किस तरह का कार्यक्रम का सूची हम लोगों ने तय किया, कार्यक्रम का सूची मैं आप लोगों को एक बार जानकारी में देना चाहता हूं। बहुत सारे राम भक्त जो है वो 22 जनवरी को अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए उत्साह है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे पहुंच रहे हैं और विशेष वरिष्ठ व्यक्तिगण वहां पे पहुंच रहे हैं। वहां पे सुरक्षा के दृष्टि को लेकर के एवं काफी ज्यादा भीड़ को लेकर के प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है ये कि हम लोग अपने अपने घरों में ही दीप जलाएं, दिवाली मनाएं एवं हमारे जो मोहल्लों में आसपास जो मंदिर होते हैं उनमें भी हम लोग दीपक जला के मंदिर में भजन कीर्तन के माध्यम से इस उत्सव को हम लोग मनाएं। हमारा हिंदू सभ्य समाज कार्यक्रम कर रही है वह राधिका भवन चंपासरी स्टेट बैंक के सामने प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। एक स्वरूप यहाँ पे रामलला का पूजन करेंगे, श्री राम जी को हम लोग 1000
8 से भोग लगाएंगे। तो हम 1008 मिट्टी के दिए से हम लोग के दिए जलाकर प्रभु श्री राम जी को हम लोग स्वागत करेंगे और प्रभु श्री राम जी का पूजा अर्चना करके तो रात्रि 9 बजे सामूहिक एवं भव्य आरती हम लोग करेंगे। और बहुत सारे लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग उस दिन सिलीगुड़ी के विभिन्न मंदिरों में हम लोगों का जो भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे आकर के अपने हाथों से दीपक प्रज्वलन करेंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे, श्री राम जी के श्री चरणों में हम लोग उसको अर्पण करेंगे और होली खेलेंगे और भजन के साथ हम लोग उत्सव मनाते हुए समाज में एक विराट एवं विशाल हिंदू एकता का परिचय देंगे। हमारे दर्शकों को एक बात यह बताएं कि इस तरह का कार्यक्रम आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज? देखिए, समाज को हम लोग पहला बात तो भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें बहुत कुछ का शिक्षा देता है। जैसे कि उन्होंने अपने के लिए क्षण भी नहीं सोच के 14 वर्ष का वनवास चले गए, उसके बाद भरत जी से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलती है।